नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे टॉप 30 एमसीक्यू टेस्ट, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, प्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृढ़। प्रश्न नंबर दो है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। प्रश्न नंबर तीन है, मोटम धातु का अर्थ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला ऑप्शन है, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला ऑप्शन है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रायन लारा ने। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय कर दिया गया। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन 1987 में। अगला ऑप्शन है, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए दी जाती है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4800 रुपए। अगला ऑप्शन है, विश्व एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस पुरुष एथलीट को वर्ष 2011 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सन 1975 में। अगला ऑप्शन है, हमारे हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4। निम्न में से कौन पूरे शरीर के रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धमनियाँ। अगला ऑप्शन है, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90%। अगला ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हृदय को। अगला ऑप्शन है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वायरस के द्वारा। कौन सा जोड़ा गलत है, चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पोलियो मिलेटिस बंदर। निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दाद। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा टाइफस। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं, चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जल जनित रोग। सीके नायडू पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वे किस खेल से संबंधित थे। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट खेल से। अगला ऑप्शन है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वर्ष 2002 में। अगला ऑप्शन है प्रथम सीके नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है, चार ऑप्शन है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लाला अमरनाथ। अगला ऑप्शन है सीएट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैचों में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय। अगला ऑप्शन है द्रोणाचार पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को जो 1985 से दिया जा रहा है। अगला ऑप्शन है ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो फोर्टियस का अर्थ है, फोर्टियस का अर्थ आपको बताना है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अधिक बलवान। अगला ऑप्शन है ओलंपिक खेलों में निम्न में किस खेल कूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। यहां पर चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला ऑप्शन है, अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1961 में। आज का अंतिम प्रश्न है, प्लेटो कौन सी विचारधारा के जन्मदाता हैं? आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवाद। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।